फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आपने अभी यह स्टेटस वीडियोस देख ली, किस तरह से इंस्टाग्राम के जो पेज की स्टेटस वीडियोस है बनी हुई है, ऐसी वीडियोस आप भी बना सकते हो अपना फोटो ऐड करके। तो कैसे बनाना मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो आप इस वीडियो को करना क्या, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि जब भी मैं वीडियोस बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसे देख पाओ। तो फ्रेंड्स देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा नाम अरविंद यादव है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं न्यू ज्ञान सम्राट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है पिक्सल लैब। आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उसके ऊपर क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसको क्लिक करके यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो आपको सबसे पहले जो न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ से क्लिक करके इसे डिलीट कर लेना है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हो जाएगा। फिर वापस देखिए प्लस का आइकॉन, इसके ऊपर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको मैंने यहाँ पर एक इमेज ले लिया हूँ, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आपको इसे ले लेना है। ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। और अभी क्या करना है, हमें इसके अंदर अपने एक फ़ोटो को ऐड करना है। तो चलिए हम अपने एक फ़ोटो ले लेते हैं। तो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, प्लस पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी पर, और हम अपना एक फ़ोटो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम छोटा कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे करेंगे, फिर यहाँ पर हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे। इतना होने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, ये थोड़ा सा और छोटा कर लेना है आपको यहाँ पे। ठीक है, अभी देखिए बराबर का गैप नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आना है, इस तरह से करना है आपको स्क्रॉल। इसके बाद इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स इसको यहाँ से इनेबल कर दीजिए आप और इसे जो है अपने फिंगर की मदद से इसको यहाँ इस तरह से एडजस्ट कीजिए। चाहिए तो फ्रेंड्स अगर आपको नहीं दिखता तो आप जूम कर लीजिएगा, जूम करके भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना होने के बाद आपको यहाँ पर देखिए सही क्या आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए आप और इसको वापस आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। सब हो गया, खाली आपको एडजस्ट करना है। ये देखिए इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और इसे सेव इमेज पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स ये जो फोटोज है आपके गैलरी में शो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये फोटो आपकी गैलरी में शो हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, सेकंड एप्लीकेशन पे आना है जिसका नाम है काइंड मास्टर। आपको इसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम ओपन कर लेते हैं। ऐसे वीडियोस बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है काइंड मास्टर। अगर आपके पास है तो ठीक है, अच्छी बात है, अगर नहीं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर देखिए प्लस के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे हम 9.16 का सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर देखिए इस तरह से हो गया। तभी हम यहाँ पर मीडिया पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेंगे। अब मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, आप कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसे ले लिया। अभी क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसे क्या करेंगे अपने दोनों फिंगर की मदद से जूम कर लेंगे, फुल स्क्रीन कर लेंगे। फुल स्क्रीन करने के बाद आपको इक्वल पर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है ताकि ये जूम इन जूम आउट ना हो। अभी स्टार्टिंग में आएंगे और यहाँ से हम अपनी फिंगर की मदद से इस लेयर को दूर तक ले लेंगे, यानी कि इसकी लेंथ को बढ़ा लेंगे। ठीक है, जहाँ तक भी हमें स्टेटस वीडियोस बनानी है। तो ये अभी हो चुका है। अभी हम क्या करें, यहाँ से ओके करते हैं, लेयर पर क्लिक करते हैं, मीडिया पर क्लिक करते हैं और यहाँ से फ्रेंड जो फ़ोटोज़ को भी हमने एडिट किया था उस फोटो को यहाँ से ले लेते हैं। लेने के बाद फ्रेंड्स इसे हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, जूम कर लेंगे और अपनी जगह पर इसे नीचे लेके थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। अभी हमने एडजस्ट कर लिया और आगे आ जाते हैं। आगे आने के बाद फिर आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। यहाँ से फ्रेंड्स आपको क्या करना है, एक लिरिक्स ले लेने जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखा है, तो इसे हम ले लेते हैं। अगर आपको ये भी चाहिए तो इसको भी डाउनलोड करके ले सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो फ्रेंड्स आप यूट्यूब से भी बहुत सारी लिरिक्स पढ़ी है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर इसे ले लिया है। अभी हम इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। आने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक
ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर स्क्रीन का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप तो देखिए स्क्रीन हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको ये इस लेयर पे क्लिक करना है और जो है इसे जूम कर लेना है, अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। तो अभी यहाँ पर ये हो चुका है, अभी हमें क्या करना है, वापस लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से एक इफेक्ट की वीडियोज़ हमने डाउनलोड करके रखी, उसे भी हम इम्पोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स जितने भी मटेरियल यूज़ हो रहे हैं सब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको यहाँ से लेने के बाद इसको सीधा इस तरह से कर लेते हैं और यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसे हम फुल स्क्रीन कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगा। अभी वापस इस वीडियो पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे, यहाँ पर ब्लाइंड के ऑप्शन पर वापस हम आएंगे, क्लिक करेंगे और इसे भी हम स्क्रीन पर क्लिक करके कर देंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। इफेक्ट इसके अंदर देखिए इस तरह से ऐड हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक हमारी वीडियोज़ तो कंप्लीट हो चुकी है, अभी इसके अंदर हम एक फ्रेम को ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम यहाँ पर लेयर पे क्लिक करेंगे, फिर मीडिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फ्रेंड्स हमने एक फ्रेम को डाउनलोड करके रखा है, उसे भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और इस पे के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करके इसे भी फुल स्क्रीन कर लेते हैं और वापस इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे ब्लाइंडिंग के ऑप्शन पर और इसे भी हम स्क्रीन पर क्लिक करके स्क्रीन कर देंगे। उसके बाद इस फिंगर्स की मदद से आपको फुल वीडियो तक इसे ले लेनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमारी वीडियो जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, आप इस वीडियो को कहीं पे भी जो एक्सपोर्ट करके शेयर कर सकते हो। तो एक्सपोर्ट करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप किसी भी साइज़ में जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो हम यहाँ पर ये साइज़ को रहने देते हैं और यहाँ पर एक्सपोर्ट का बटन दिया हुआ, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब हमारी पूरी तरह से वीडियोज़ कंप्लीट हो चुकी थी, अब एक्सपोर्ट भी हो जा रही है फ्रेंड्स, तो इसके बाद हम कहीं पे भी इसे शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियोज़ आपको कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और हाँ वीडियो पसंद आने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को देख पाओ। तो फ्रेंड्स मिलते कल एक नई वीडियो में।